दोस्तों नमस्कार। देश के कई राज्यों में विधानसभाओं के उपचुनाव चल रहे हैं। जिन राज्यों में उपचुनाव हो रहा है उनके अंदर उत्तराखंड भी एक राज्य है, यानी कि पहाड़ी राज्य कह लें, तीर्थ नगरी कह लें या आध्यात्मिक नगरी कह लें उत्तराखंड। और उत्तराखंड में जिन विधानसभा की सीटों पर चुनाव उपचुनाव हो रहा है वो विधानसभा की सीटें हैं बद्रीनाथ और दूसरी है मैंगलोर। और उत्तराखंड के इस चुनाव के अंदर हरियाणा की भी खूब चर्चा है और इसके साथ साथ एक चर्चा हो रही, वो चर्चा ये है कि हरियाणा के एक नेता को उत्तराखंड के लोग यानी कि पहाड़ी राज्य के लोग भूरतिया नाम से संबोधित कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये भूरतिया क्या और वो नेता कौन, तो आपको बताऊं कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के अंदर भूरतिया उस शब्द को कहते हैं जिसके अंदर की किसी खिलाड़ी को यानी कि जब टीम होती है खेल खेलने वाली, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध खेल है फुटबॉल का गेम, और खेल खेलने के लिए जब किसी खिलाड़ी को इंपोर्ट किया जाता है जिसको इंग्लिश शब्द कह सकते हैं या फिर कहते हैं खरीदा हुआ खिलाड़ी और या फिर कहते हैं मांगा हुआ खिलाड़ी, जब ऐसा खिलाड़ी होता है तो उसको फिर वहां कहा जाता है भूरतिया। ये वहां की जो लोक भाषा है, लोक भाषा का एक शब्द है, और ये भूरतिया कहा जा रहा है हरियाणा के नेता के लिए। और हरियाणा के वो नेता जो कई राज्यों की कई राजनीतिक दलों की सैर करते हुए जा पहुंचे हैं उत्तराखंड के मैंगलोर में चुनाव लड़ने के लिए, और उन नेता का नाम है करतार सिंह भड़ाना। फरीदाबाद के नेता हैं, फरीदाबाद के एक बार चुनाव लड़े हैं फरीदाबाद से भी विधानसभा का, जनता ने उनको पसंद किया नहीं और बुरी तरह शिकस्त दे दी। मैंने आपसे कहा कि भूरतिया शब्द दिया जा रहा है उनको, भूरतिया का नाम किससे चर्चा हो रही है उनके उत्तराखंड के अंदर। आपको बताऊं तो जो मैंने आपसे नाम कहा भूरतिया और इसको लेकर के चर्चा क्यों है उत्तराखंड के अंदर मैंगलोर के अंदर करतार सिंह भड़ाना को लेकर। मैंगलोर की विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि मैंगलोर के जो चुने हुए उम्मीदवार, चुने हुए जो विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर विधायक बने थे सरवन करीम अंसारी, वो चुनाव जीते थे जब आम चुनाव हुआ था उत्तराखंड का। उस चुनाव के अंदर कंसारी चुनाव जीत गए, भारतीय जनता पार्टी वहां स्थान पर रही तीसरे पर, कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी, और वहां पर चुनाव के बाद में यानी कि विधायक बनने के बाद कंसारी का निधन हो गया, और उनके निधन के बाद वहां पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के किसी नेता पर भरोसा करने की बजाय, मैंगलोर के किसी नेता पर भरोसा करने की बजाय करतार सिंह भड़ाना को अपनी पार्टी में शामिल कराया। करतार सिंह भड़ाना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मार्च के महीने में 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और बीजेपी में शामिल होते ही उनको विधानसभा का उपचुनाव का टिकट दे दिया गया। नामांकन उनका हो चुका है, चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं, कल कृष्णपाल गुर्जर भी जाएंगे उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए मैंगलोर में। मैंगलोर की विधानसभा सीट पर जो समीकरण है वो कुछ ऐसा है कि वहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी ठीक ठाक है, और करतार सिंह भड़ाना और अवतार सिंह भड़ाना, ये जो दो भड़ाना बंधु हैं, भड़ाना भाई हैं, हालांकि इनकी ज्यादातर सियासत अलग अलग पार्टी में ही चलती है। अब आजकल भी वर्तमान में भी करतार सिंह भड़ाना अगर भारतीय जनता पार्टी में है तो अवतार सिंह भड़ाना लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उससे पहले करतार सिंह भड़ाना बहुजन समाज पार्टी में थे तो अवतार सिंह भड़ाना भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश से मीरपुर से विधायक थे। उससे पहले अगर देखें तो कभी करतार सिंह भड़ाना आरएलडी में थे तो अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस में थे, यानी कि ये चलता रहता। बात मैं करतार सिंह भड़ाना कर रहा था, बात भूरतिया की और बात उत्तराखंड की मैंगलोर विधानसभा की। तो उत्तराखंड की मैंगलोर विधानसभा को लेकर के कि लगा भारतीय जनता पार्टी को कि अगर किसी नेता को इम्पोर्ट कर लिया जाए, किसी खिलाड़ी को इम्पोर्ट कर लिया जाए तो शायद मैच जीत जाए, शायद अपनी टीम मजबूत हो जाए, इस लिहाज से लगता है कि करतार सिंह भड़ाना को मैंगलोर ले जाया गया। करतार सिंह भड़ाना भी मैंगलोर पहुंच चुके हैं अपने लाभ लश्कर के साथ, फरीदाबाद से भी वो तमाम लोगों को अपने साथ ले गए चुनाव प्रचार करने के लिए। फरीदाबाद के लोग मैंगलोर में आजकल वोट मांग रहे हैं। वैसे आपसे यह जिक्र करना जरूरी रहेगा कि करतार सिंह भड़ाना का पॉलिटिकल करियर, पॉलिटिकल सिनेरियो रहा क्या,
उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही, राजनीति का उनका अंदाज क्या रहा। करतार सिंह भड़ाना हरियाणा की राजनीति में अगर मैं ये कहूं कि 1991 के बाद सक्रिय हुए, हालांकि दोनों भाई ही सक्रिय तभी हुए। अवतार सिंह भड़ाना की राजनीति में तो एंट्री यूं थी कि उनको चौधरी देवीलाल ने बिना एमएलए बने अपनी सरकार का 1987 की सरकार थी, 87 से 91 की, उसमें बिना एमएलए बने वजीर बना दिया। और करतार सिंह भड़ाना की जो इलेक्शन हुआ, पहला चुनाव हुआ, मैंने आपसे कहा कि करतार सिंह भड़ाना वो नेता हैं जो कई दल और कई प्रदेश, क्षेत्र और राज्य और जिला नहीं, कई प्रदेश बदलते हुए, वो हरियाणा में चुनाव लड़ चुके, वो राजस्थान में चुनाव लड़ चुके, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके, वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ चुके, अब वो पहाड़ में चले गए हैं उत्तराखंड में। और पहाड़ से उनका नाता एक और जोड़ा जाएगा क्योंकि पहाड़ी खदान का उनका यहाँ काम भी रहा है, खदान का उनका काम भी रहा है, क्रेशर का उनका काम भी रहा है, पहाड़ों के अंदर जो पत्थर का खनन होता है वो भी उनका काम रहा है, बिजनेस रहा है उनका फरीदाबाद के अंदर रहते हुए। मैं आपको बताऊं करतार सिंह भड़ाना का जो राजनीतिक सफर, मैं आपसे कह रहा था कि कई राजनीतिक दल और कई राजनीतिक दलों के साथ साथ कई प्रदेश, मैंने आपको बताया कि 1996 में उनका राजनीतिक सोपान शुरू हुआ, पॉलिटिकल उनका उदय हुआ, राजनीतिक उदय 1996 में। करतार सिंह भड़ाना विधानसभा का पहला चुनाव लड़े, पानीपत जिले की समालखा विधानसभा सीट है, हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर, चौधरी बंसीलाल की पार्टी थी वहां, उस टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए समालखा से, गुजर बाहुल्य सीट है, चुनाव जीत करके वो चौधरी बंसीलाल की सरकार में वजीर भी बन गए। लेकिन बाद में चौधरी बंसीलाल की सरकार को गिरा करके और वो मिल गए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल के साथ, इनेलो पार्टी में चले गए। 2000 का चुनाव उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर समालखा से लड़ा और एक बार फिर चुनाव जीत गए, फिर से कैबिनेट मंत्री बन गए ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में। 2004 का विधानसभा चुनाव आते आते वो शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में और वो चुनाव उन्होंने लड़ा, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का सीधा, राजेश पायलट जो गुजर सम्राट माने जाते हैं, गुजरों समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, स्वर्गीय राजेश पायलट, उनके बेटे सचिन पायलट जो आजकल राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं, तो 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ा करतार सिंह भड़ाना ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर दौसा लोकसभा सीट से। 2005 का चुनाव इन्होंने फिर वहां हार गए दौसा में जाकर के, और वहां हारने के बाद में फिर इन्होंने चुनाव लड़ा गुरुग्राम जिले की विधानसभा सीट है सोहना, 2005 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सोहना से लड़ा और चुनाव एमएलए का फिर हार गए। 2009 के अंदर, 2009 जब आता आया तो 2009 आते आते ये चले गए करतार सिंह भड़ाना हाथी पर बैठ गए, बहन मायावती का हाथ थाम लिया, बहन मायावती के हाथी पे सवार हो गए और बड़खल विधानसभा सीट, फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा सीट पहली बार अस्तित्व में आई थी, चुनाव लड़े और बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गए। 2012 का चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का, 2012 का राष्ट्रीय लोकदल में चले गए चौधरी अजीत सिंह की पार्टी में, बागपत से चुनाव लड़ा एमएलए का और यहां जाकर के एमएलए बन गए। 2014 का फिर लोकसभा का चुनाव आ गया, मोदी लहर थी देश के अंदर, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के टिकट पर कैराना से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2014 का चुनाव हार गए, नहीं जीत पाए उत्तर प्रदेश की कैराना से। 2017 में फिर राष्ट्रीय लोकदल से ही, बागपत से ही फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा और अब की बार उस चुनाव को हार गए, और चुनाव हारते ही मोहभंग हो गया उनका राष्ट्रीय लोकदल से, हैंडपंप्स को छोड़ दिया, अजीत सिंह के, चौधरी अजीत सिंह के, आजकल जो जयंत चौधरी की पार्टी है उसके हैंडपंप को छोड़ दिया और आकर के शामिल हो गए वापस बहुजन समाज पार्टी में, जो बीएसपी में एक बार पहले लड़े थे बड़खल से, अब बीएसपी में फिर गए और अब की बार चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश के मुरैना से, भिंड मुरैना जिसको कहते हैं, मुरैना से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, वहां भी चुनाव हार गए। 2019 में फिर बैक टू पेवेलियन भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए और भारतीय जनता पार्टी में आकर के खतौली से चुनाव लड़ा, खतौली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, खतौली से उत्तर प्रदेश की खतौली लोकसभा सीट, वहां से भी चुनाव हार गए। फिर 2020 में आ गए बहुजन समाज पार्टी में, उत्तर प्रदेश की खतौली से ही फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा, उस चुनाव को फिर से हार गए।
अब शामिल हो गए जाकर के भारतीय जनता पार्टी में और बीजेपी में जाकर के उत्तराखंड की हरिद्वार का जिला है, हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट है, मंगलौर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब बड़ी बात दोस्तों ये आ जाती है कि आखिर करतार सिंह भड़ाना का राजनीति के अंदर एक ही पार्टी में या एक ही प्रदेश में मन क्यों नहीं लगता, आखिर क्यों वो जब बार बार जगह जगह दल बदलते रहते हैं और दल के साथ साथ राज्य बदलते रहते हैं। और दूसरी बात एक और आ जाती है दोस्तों कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी आखिर करतार सिंह भड़ाना के पास ऐसा कौन सा कोहिनूर का हीरा है जिसको वो तराशते हैं और पार्टियां उनको अपने साथ शामिल कर लेती हैं। अब जो करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर विधानसभा से उपचुनाव लड़ते हुए जो अपना नॉमिनेशन दाखिल किया और उसके अंदर जो संपत्ति दर्ज की, बताया गया कि अथाह संपत्ति के मालिक हैं, और क्या वो नजरिया होता है या कोई और कारण होता है, कौन सा ऐसा कारण बन जाता है कि जिससे वो वापस किसी भी प्रदेश में जाते हैं और वहां पर उनको चुनाव में टिकट थमा दिया जाता है। वैसे आजकल मंगलौर के अंदर वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने आपको मंगलौर का पहले ही बता दिया कि पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ऐसा लगता है कि वहां पर मुस्लिम मतदाता प्रभावी संख्या में है, मुस्लिम नेता ही वहां से पहले विधायक बने थे। भारतीय जनता पार्टी मंगलौर से आज तक कभी चुनाव नहीं जीती, तो शायद बीजेपी को लगता हो कि करतार सिंह भड़ाना, क्योंकि चाहे वो हरियाणा से चुनाव लड़ते रहे हों और चाहे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गए हों, मैं मुस्लिम मतदाताओं पर उनकी नज़र रहती है और कई बार मुस्लिम मतदाताओं ने उनको वोट किया भी है, तो शायद उसको देखते हुए उनको भुरतिया बनाया गया कि उनको लेकर के गए और वहां पर चुनाव लड़ाया जा रहा है ताकि उनकी टीम को जीत दिला दें। वैसे आपको क्या लगता है, क्योंकि दर्शक हमारे पास सभी जगह के हैं, चाहे वो हरियाणा के हों या उत्तराखंड के, जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, करतार सिंह भड़ाना मंगलौर विधानसभा सीट जीत सकते हैं क्या? मंगलौर के अंदर करतार सिंह भड़ाना को ले जा करके भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपना खाता खोल सकती है? और आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा राजनीतिक गुट्टी है करतार सिंह भड़ाना भड़ाना ब्रदर्स के पास जिससे कि कोई भी राजनीतिक दल उनको आराम से अपना लेता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।